आईआईट समावर्तन उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण रखि सीधा नजर पक मेक मोस्ट यूज ऑफ दिस एंड थिंक ऑफ द ब्राइटर साइड टू यू आर अलसो अ लकी बैच यू आर एबल टू एंजॉय रोंदेवो इन योर फाइनल ईयर ऑन कैंपस See how different things were last October and this October. You will look back fondly at all nights in the library and reading room before the exams, late night paratha at the night mass, the coffee and muffin between lectures i am also told iit delhi has two type of friends college friends hostel video game friends you will surely miss both Satyam. इसके पहले मुझे आईआईटी मद्रास आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी गुवाहाटी के कॉन्वोकेशंस को भी इसी प्रकार से अटेंड करने का अवसर मिला और कहीं पर रूबरू -रु जाने का अवसर मिला इन सभी जगहों पर मुझे ये समानता दिखी कि हर जगह कुछ न कुछ इनोवेट हो रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता के लिए यह बहुत बड़ी ताकत है कोविड कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी है साथियों आत्मनिर्भर भारत अभियान आज देश के नौजवानों को टेक्नोक्रेट्स को टेक एंटरप्राइज लीडर्स को अनेक नई अपॉर्चुनिटीज देने का भी एक अहम अभियान है उनके जो आइडियाज है इनोवेशंस हैं वो उनको फ्रीली इंप्लीमेंट कर सके स्केल कर सके मार्केट कर सके इसके लिए आज सर्वाधिक अनुकूल वातावरण बनाया गया है आज भारत अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है ताकि ये युवा अपने इनोवेशन से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सके देश आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देगा बस आप एक काम कीजिए आपकी महारत से आपके अनुभव से आपके टैलेंट से आपके इनोवेशन से देश अगर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देता है सरकार व्यवस्थाएं देता है तो आप इस देश के गरीब से गरीब नागरिक को ईज ऑफ लिविंग देने के लिए नए नए इनोवेशन्स लेकर के आइए नई नई चीजें लेकर के आइए हाल में करीब करीब हर सेक्टर में जो बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं उनके पीछे भी यही एक सोच है पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और नए स्टार्टअप्स के लिए अनगिनत संभावनाएं बनी हैं पहली बार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुले हैं दो दिन पहले ही बीपीओ सेक्टर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी एक बड़ा रिफॉर्म किया गया है सरकार ने अदर सर्विसेज प्रोवाइडर ओएसपी गाइडलाइंस को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है करीब करीब सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं एक प्रकार से सरकार अब की मौजूदगी महसूस नहीं होगी हर एक पर भरोसा किया गया है इससे बीपीओ इंडस्ट्रीज के लिए कंप्लायंसेस का जो बर्डन रहता है भांति भांति के बंधन रहते हैं सब कुछ कम हो जाएगा इसके अलावा बैंक गारंटी सहित दूसरी अनेक जरूरतों से भी बीपीओ इंडस्ट्री को मुक्त किया गया है इतना ही नहीं ऐसे प्रावधान जो टैक इंडस्ट्री को वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम एनीवेयर जैसी सुविधाओं से जो कानून रोकते थे उन कानूनों को भी हटा दिया गया है ये देश के आईटी सेक्टर को ग्लोबली और कॉम्पिटेटिव बनाएगा और आप जैसे यंग टैलेंट को और ज्यादा मौके देगा साथियों आज देश में आपकी एक एक जरूरतों को समझते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए एक के बाद एक निर्णय लिए जा रहे हैं पुराने नियम बदले जा रहे हैं और मेरी ये सोच है कि पिछली शताब्दी के नियम कानूनों से अगली शताब्दी का भविष्य तय नहीं हो सकता है नई शताब्दी नए संकल्प नई शताब्दी नए, नए, नए रीति रिवाज नई शताब्दी नए कानून आज भारत उन देशों में है जहां कॉरपोरेट टैक्स सबसे कम है स्टार्टअप इंडिया इस अभियान के बाद से भारत में पचास हजार से भी ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं सरकार के प्रयासों का असर है कि पिछले पांच वर्षों में देश में पेटेंट की संख्या चार गुना हो गई है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में भी पांच गुना वृद्धि दर्ज की गई है